हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टाइल इन बजट। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 10 यूजफुल टूल्स जो आपकी किचन में जरूर होने चाहिए। फर्स्ट है ये टैप फॉसेट। इसे आप अपने सिंक टैप पर लगा सकते हैं एंड इससे बर्तन धोते वक्त आपके कपड़े गीले नहीं होंगे एंड ये वाटर भी सेव करता है। इसका हेड एक्सपेंडेबल है एंड ये 360 डिग्री रोटेट होता है, तो आप इसे रोटेट करके अपने सिंक भी क्लीन कर सकते हैं। ये मीशो पर अवेलेबल है एंड इसका प्राइस 119 रुपीज़ है। एंड मीशो पर अगर आप प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर ना मंगाकर पहले ही पे करके मंगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है एंड आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 103 रुपीज़ का मिलेगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन लिड कवर। ये सेट ऑफ 6 है एंड ये 6 डिफरेंट साइजेस में आते हैं। आप इन्हें छोटे से बड़े किसी भी बर्तन में लगा सकते हैं। आप इन्हें हाफ कट फ्रूट्स में जैसे तरबूज, एप्पल या नींबू पर भी लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपके फ्रूट फ्रेश रहेंगे एंड इसे आप राउंड या स्क्वायर किसी भी बर्तन पर लगा सकते हैं क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो इजीली किसी भी शेप के बर्तन पर फिट हो जाता है। ये लीक प्रूफ है और फूड ग्रेड सिलिकॉन से बने हैं एंड ये माइक्रोवेव सेफ भी हैं, बट आप इन्हें सिर्फ 450 फारेनहाइट टेम्परेचर तक ही यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर पे कुछ भी बना रहे हैं तो आप इसे यूज ना करें। एंड मैं जो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इसे माइक्रोवेव में बिल्कुल भी यूज ना करें। इनका पैक ऑफ 6 का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 129 रुपीज है। इनके सभी साइजेस भी मैंने साथ में मेंशन किए हैं। ये है स्टेनलेस स्टील हुक। ये रेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इन्हें लगाने के लिए आपको की लगाने की या वॉल में अपनी ड्रिल वगैरह करवाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसे आप सिंपली अपनी कबर्ड में लगा सकते हैं जैसा कि पिक में दिखाया गया है एंड इस पर आप कप, सीजर्स और भी छोटी मोटी चीजें हैंग कर सकते हैं। एंड ये 2 का सेट है एंड इसका सेट ऑफ 2 का प्राइस 217 रुपीज़ है। साथ में मैंने इसके साइज भी मेंशन किए हैं। नेक्स्ट भी एक हुक है एंड इसको लगाने के लिए भी आपको कील वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसे आप इस तरह से अपने डोर पर हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे किचन कबर्ड में या अपने वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं एंड इस पर जरूरी सामान जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे बेल्ट वगैरह, टाई वगैरह हैंग कर सकते हैं एंड किचन में भी जैसे सीजर वगैरह आप हैंग कर सकते हैं एंड इसका प्राइस है 207 रुपीज़। यहाँ पर इसका साइज भी मैंशन है एंड देखिए इस टाइप से आप हैंग कर सकते हैं अपने डोर पर। एंड अगर आप आर ओ वाटर कैन यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये है वायरलेस वाटर कैन डिस्पेंसर पंप। ये बैटरी ऑपरेटेड है एंड ये रिचार्जेबल है। इसके साथ आपको एक USB केबल मिलेगी इसे चार्ज करने के लिए, एक सिलिकॉन पाइप मिलेगा, एक आउटलेट पाइप मिलेगा जो कि स्टील मटेरियल का है। इसे आपको वाटर कैन पर प्लेस करना है एंड बटन प्रेस करने के बाद आपको पानी मिल जाएगा। इसे बच्चे एंड ओल्ड एज पर्सन भी इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वाटर कैन को लिफ्ट वगैरह करने की नीड नहीं है, सिंपली एक बटन प्रेस करना है एंड इसका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 239 रुपीज़ है। नेक्स्ट है ये सिंक ड्रेनर फिल्टर। इसका मटेरियल स्टेनलेस स्टील है। इसे आपको अपने सिंक के ड्रेनर पर लगाना है एंड इसमें फूड पार्टिकल्स और चाय पत्ती वगैरह इकट्ठी हो जाएगी एंड आपका सिंक ब्लॉक नहीं होगा। इसका प्राइस 82 रुपीज़ है। नेक्स्ट भी एक सिंक ड्रेनर है, ये प्लास्टिक मटेरियल में है। इनका पैक ऑफ 2 का प्राइस 54 रुपीज़ है। नेक्स्ट है ये तड़का पैन एंड ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का है। ये भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। इसमें आप अपनी सब्जी या दाल वगैरह में तड़का तो लगा ही सकते हैं, साथ ही आप जैसे लेफ्ट ओवर कुछ भी बच गया सब्जी वगैरह तो वो भी गर्म कर सकते हैं एंड विंटर्स में ये बहुत काम आता है क्योंकि तभी हमें नीड होती है बार बार सब्जी गर्म करने की क्योंकि खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड मैं तो इसमें पापड़ वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कम ऑयल में पापड़ वगैरह फ्राई हो जाते हैं। एंड मैंने मार्केट में जितनी भी जगह तड़का पैन देखा है या तो वो एल्युमिनियम मटेरियल का होता है या नॉनस्टिक मटेरियल का, बट मैं दोनों ही मटेरियल अवॉइड करती हूँ, तो ये मुझे मीशो पर स्टेनलेस स्टील का मिला एंड इसका प्राइस 130 रुपीज़ है। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रिक केटल। ये भी मेरे काफ़ी काम आती है क्योंकि इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड मैं इसमें पानी गर्म करके सब्जी वगैरह, दाल या राइस वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ। इससे एक तो सब्जी जल्दी बन जाती है क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉयल होता है और दूसरा ये है कि गैस भी कम लगती है एंड आपको पता है कि आजकल जो LPG गैस है उसकी प्राइस कितने हाई है। एंड मेरे घर में जहाँ भी मुझे गर्म पानी की नीड होती है मैं इस इलेक्ट्रिक केटल में ही गर्म करती हूँ। इससे मेरा टाइम एंड पैसा दोनों ही सेव होता है। वैसे आप इसमें चाय, मैगी भी बना सकते हैं एंड एग भी बॉईल कर सकते हैं, बट मैं इसे सिर्फ पानी बॉईल करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये पिजन ब्रांड की कैटल है। इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है और इसका प्राइस 650 रुपीज़ है। वैसे अभी आगे फेस्टिवल आने वाले हैं तो ये आपको 500 में ईजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट भी एक पिजन ब्रांड का ही प्रोडक्ट है। ये है मैनुअल चॉपर। ये भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है एंड इसके बिना तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैं सारी सब्जियां चॉप करने के लिए इसी का यूज़ करती हूँ। चाहे मुझे फ्राइड राइस मंचूरियन बनाना हो उसमें तो काफ़ी सब्जियां लगती है तो मैं इसी में चॉप करती हूँ एंड इवन गोभी के पराठे बनाने के लिए मैं गोभी भी अलग से कद्दूकस नहीं करती, इसी में चॉप कर लेती हूँ क्योंकि आप इसमें कितने भी साइज़ की सब्जियां चॉप कर सकते हैं। अगर आपको मोटा रखना है तो आप मोटा भी रख सकते हैं और अगर आपको पराठे वगैरह के लिए सब्जी चाहिए तो आप बारीक भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। एंड मैंने इसके नेट पे जितने भी रिव्यूज़ देखे थे उसमें यही था कि इसमें थोड़ी चीज़ आप चॉप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आप इसमें एक वीडियो ऐड किया जिसमें मैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ आपको चॉप करके दिखाऊंगी। एंड ये फ्रेंड्स मेरा चॉपर गंदा नहीं है, इससे पहले मैंने जिंजर चॉप किया था तो उसी की पार्टिकल्स लगे हुए हैं इसमें। देखिए इसमें 10-12 लहसुन की कलियाँ भी कितनी अच्छे से चॉप हो गई। मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडियन किचन में 10-12 लहसुन से कम कुछ भी चॉप होता है, तो इसमें मतलब कम सब्जियाँ भी अच्छे से चॉप हो जाती हैं। एंड मुझे इसको यूज़ करते हुए 2 साल हो गए तो मेरे पास तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है एंड इसका प्राइस 260 रुपीज़ है।
नेक्स्ट है ये फूड क्लिप्स, ये भी बहुत यूजफुल है, मैंने इन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ये बेसिकली ओपन जो फूड पैकेट्स होते हैं उनको सील करने का काम करता है एंड इसमें फूड आपके जो चिप्स वगैरह होते हैं वो फ्रेश रहते हैं। डिफरेंट साइज होंगे वो उसके 6-6 क्लिप्स होंगे तो टोटल 18 क्लिप्स होते हैं, छोटा मीडियम और बड़ा एंड इनका 18 का पीसेस का सेट का प्राइस है 67 रुपीज़। लास्ट प्रोडक्ट है ये फ्लेम गैस लाइटर, इसकी जो टिप है वो फ्लेक्सिबल है तो आप इसे जार कैंडल्स वगैरह भी लाइटन अप कर इजिली कर सकते हैं एंड इसमें आप जो गैस है वो रिफिल भी कर सकते हैं। एक ग्लास विंडो बनी हुई है जिसमें से आपको दिखता रहता है कि कितनी गैस रहेगी और जब वो खत्म हो जाए तो आप उसे इजिली रिफिल भी कर सकते हैं एंड इसमें चाइल्ड लॉक है तो ये बच्चों के लिए भी सेफ है एंड इसमें फ्लेम के लिए भी दो सेटिंग्स हैं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं और हाई फ्लेम भी कर सकते हैं एंड इसका प्राइस जो है वो 154 रुपीज़ है और 51 साथ में आपको शिपिंग पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।